हम आपको एक घटना का बताते हैं, इसराइल देश की घटना है। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय में और उसके 8 पद से इस घटना का जिक्र है। इलीशा नाम का एक नबी है, खुदा का सेवक है, और आराम एक पड़ोसी राज्य है, और वो आराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा है, और जब भी उन पर आक्रमण करने की सोचता है तो इसराइल के राजा को इलीशा बता देता है कि देख, तू उस रास्ते से मत निकलना, क्योंकि फलाने रास्ते पर तेरे लिए उसने फंदे बिछा रखे हैं। और इस प्रकार इसराइल का राजा बार बार उसके हाथों में पड़ने से बच जाता था। तो आराम का राजा घबरा गया, कहने लगा कि मेरे अंदर कौन सा भेदिया है, मेरे कैंप में, मेरे लोगों में वो कौन है जो सब भेद की बातें मेरी इसराइल के राजा को बता देता है। तो वहाँ कुछ लोग समझदार थे, उनके कर्मचारियों में से कुछ समझदार कर्मचारी थे, उन्होंने कहा, हे राजा, ऐसा नहीं है, इलीशा जो इसराइल का नबी है वो इसराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है, तू अपने बेडरूम में क्या बातचीत करता है, तेरे मन में क्या क्या बुराइयां उठती हैं, वो भी तेरे नबी इसराइल के नबी को पता लग जाती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने नबियों को बिना बताए हुए पृथ्वी पर कोई काम नहीं करता है, बता देता है। और इस प्रकार राजा ने कहा कि भाई इस नबी को पकड़ो, जहां भी है इसको पकड़ो। तो उसने सेना भेज दी और पता लगा कि वो दोतान नगर में है, तो दोतान नगर को घेर लिया गया रथों और भारी सेना के दल ने, और रात में उसे घेर लिया नगर को। सुबेरे के टाइम जब भक्त नबी का सेवक बाहर निकला तो क्या देखता है कि चारों तरफ आरामी सेना ने घेर लिया है। वो डर गया, भयभीत हो गया, और दौड़ा हुआ आया इलीशा के पास, कहने लगा, अरे मालिक, हम तो घिर गए हैं, बुरी तरह से घिर गए हैं, क्या होगा? 16वें पद में, दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 16वें पद में इलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। वन मैन विद गॉड इज इन मेजॉरिटी। हियर वी से क्या होता है, इलीशा ने कहा कि जो देख, घबरा नहीं, तूने केवल आरामी सेना को चारों तरफ हमारे ओर घेरा है, लेकिन जान ले कि जो हमारी ओर है वो उनसे ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए हम पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद को भी देखेंगे। बाइबल में, नए नियम में, यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब, 1 John 4:4, फर्स्ट जॉन, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, चिल्ड्रन यू आर ऑफ गॉड्स, एंड यू हैव ओवरकम द ईविल वन, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है, द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड, द ईविल वन इज नेवर ग्रेटर, इट लुक्स ग्रेट, इट लुक्स माइटी, बट ही इज डिफिटेबल, ईविल वन इज डिफिटेबल, यू कैन डिफीट द ईविल, बट द ट्रुथ एंड राइटियसनेस विल अल्टीमेटली शाइन लाइक ए ग्रेट सन दैट राइजेज ओनली आउट ऑफ द हेवन्स ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सत्य और धार्मिकता परमेश्वर के स्वर्ग से ही चमकती है, और धार्मिकता के सूर्य का नाम है
यीशु मसीह, हालेलुया। और वो धार्मिकता का सूर्य है जो स्वर्ग से उदय हुआ, जो स्वर्ग से निकला, पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया। दुष्टता ने, संसार के अन्याय ने उस पर सब कुछ अन्याय किया, लेकिन उसे हरा नहीं सके। प्रभु ने कहा था उनसे, मत डरो, जो तुम्हारे शरीर की हानि कर सकते हैं, तुम्हारे प्राण को कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकते। आत्मा में जीवन है। इन पापी हाथों के हाथ परमेश्वर का पुत्र मसीहा दुख उठाएगा, क्रूस पर टांगा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और जी उठने के बाद दोबारा कभी मरने का नहीं है। वो दुनिया का राजा, स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, स्वर्ग से पृथ्वी पर राज्य करेगा। जब तक परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, जैसे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, वो अपने दासों के साथ मिलकर, अपने डिसाइपल्स, अपने चेलों के अंदर रहकर परमेश्वर के सुसमाचार यानी गॉस्पल के शत्रुओं को डिफीट न कर दे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पांव की चौकी न कर दे, तब तक पवित्र आत्मा यहां रहेगा। तो सत्य तो यही है कि सत्य का युद्ध सत्य का आत्मा लड़ रहा है, और यही सत्य का आत्मा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में अपने चेलों को वायदा किया है। और वही सत्य का आत्मा है जो आज हम में रहकर, आप में रहकर आपके युद्ध को लड़ रहा है, पाप के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, संपूर्ण जगत में परमेश्वर का आत्मा युद्ध लड़ रहा है। और वो जब तक इन्हें डिफीट न कर दे, प्रभु यीशु मसीह के पांव की चौकी न कर दे, तब तक उसका पृथ्वी पर रहना अवश्य है, क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह का आना निश्चित है। और वो आएगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। उस वक्त कोई हिंसा नहीं होगी, न्याय होगा। हिंसा करने वालों का न्याय होगा, अन्याय करने वालों का न्याय होगा, और अनंत काल का दंड उन्हें दिया जाएगा। परंतु विश्वासियों को क्या होगा? वो विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उन्हें वो अपनी अनंत महिमा में, जो स्वर्ग राज्य है पृथ्वी पर जो स्थापित होगा, उसमें शामिल करेगा। तो मेरे प्रियो, घबराओ मत, डरो मत। जो तुम्हारे साथ है, जो तुम में है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। डरने की आवश्यकता नहीं है। सुसमाचार हर एक मनुष्य के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, और इसलिए सुसमाचार से हम बिल्कुल नहीं लजाते हैं। हम खुलकर यूट्यूब के द्वारा, टेलीविजन के माध्यम से, और जहां भी रहते हैं वहां ये सत्य का समाचार जरूर बताते हैं कि परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर कर रहा है, ईसाइयों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। समझ लेना ठीक से, दो चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर भ्रमित हो गए तो गए, यीशु के पीछे चलो, क्योंकि वही राजा है, वही अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, वही सामर्थ्य महासामर्थ्य परमेश्वर भी है। इलीशा अपने चेले से कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। तब इलीशा ने प्रार्थना की है, यहोवा इसकी आंख खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब देखा तब क्या देखा कि इलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ। ये अग्निमय घोड़े क्या हैं, ये रथ क्या हैं? स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग के स्वर्गदूत। आत्मिक सेना परमेश्वर की है, आत्मिक सेनाएं स्वर्गदूतों की सेनाएं,
भले ही हमें दिखाई न दें, अगर आत्मिक आंखें हमारी न खुली हैं तो हो सकता न दिखें, और अगर आत्मिक आंखें हमारी खुली हुई हैं तो हमें निश्चित दिखेंगे। क्या देख रहे हैं, यीशु दरबार खाली है क्या? यीशु दरबार में परमेश्वर के स्वर्गदूत फरिश्ते पूरे तरीके से हर जगह ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे करते हैं। 24 घंटे परमेश्वर के स्वर्गदूत फरिश्ते ड्यूटी करते हैं अपने विश्वासी बेटे बेटियों के साथ, आपके साथ। आप जहां भी हैं, किसी भी देश में हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं, अगर यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं आप, फरिश्ता आपकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया है। फरिश्ता आपकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया गया है, वो आपकी देखभाल करेगा जब तक पृथ्वी पर आप हो, आपके संग रहेगा। पवित्र आत्मा आप में है और आपके संग रहेगा। अरामी सेना जब इलीशा के पास आई तो इलीशा ने प्रार्थना की कि हे पिता, इस सेना की आंखों को बंद कर दे। पूरी सेना की आंखें बंद हो गईं। इलीशा ने कहा, मेरे पीछे आओ, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वहां मैं पहुंचाता हूं तुम्हें। इलीशा ने उन सबको ले लिया अपने साथ, वो सब पीछे पीछे इलीशा के चले आए, और शोमरोन जो सिटी है, जो राजा की राजधानी है, उसके बीचों बीच नगर में लाके खड़ा कर दिया। और तब प्रार्थना किया, हे पिता यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब देखने लगे तो क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं, मैं इनको मार दूं? एलीशा ने कहा, मत मार, जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बनाकर ले आता है तू उनको अन्न जल दे, खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने विदा लिया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। और इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश पर फिर कभी नहीं आए। यानी इसने अपने दुश्मनों को भी दावत दे दिया। ये सारे दुश्मन की सेनाएं इलीशा को खत्म करने के लिए, पकड़ने के लिए आई थीं, अरेस्ट करने के लिए आई थीं। और इलीशा ने क्या किया, जब उन सबको अपने सामने, अपने राजा के सामने सरेंडर करा दिया, और उसका राजा कह रहा है कि हे पिता, हे नबी, क्या हम इन सब दुश्मनों को मार डालें? तब इलीशा ने कहा, नहीं, मत मार, इन्हें खाना खिला, इनकी दावत कर, और फिर इन्हें इनके मालिक के पास जाने दे। ऐसा ही हुआ, और लिखा है उसके बाद आराम के राजा के दल इज़राइल पर कभी चढ़ाई करने के लिए नहीं आए। गजब की लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई। न तलवार चली, न खून बहा, और इज़राइल की जीत हो गई। क्या गजब की लड़ाई है। इसी को हम आत्मिक युद्ध कहते हैं। संत पौलुस ने इसका बहुत अच्छा जिक्र किया है। इफिसियों की किताब में हम लोग चलेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय उसके 11वें पद से, बल्कि 11वें पद से है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये किसके लिए कह रहे हैं? संत पौलुस मसीही विश्वासियों के लिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, AK-47 नहीं, लोहे के हथियार नहीं, एटम बम्ब नहीं, न्यूक्लियर बम्ब नहीं, बंदूक और बम नहीं है। परमेश्वर के हथियार बहुत सामर्थी हैं। बिना तलवार चलाए इलीशा ने पूरी फौज का सरेंडर करा दिया उस नबी ने।
परमेश्वर का एक भक्त काफी है पूरे तालिबान के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का एक भक्त काफी है। अगर कोई एक भक्त है प्रभु का, यीशु मसीह का चेला, पूरे अफगानिस्तान में है, वो बहुत है पूरे तालिबान के लिए, उसको सरेंडर करा देगा। इसी तरीके से जैसे एलीशा ने पूरे आराम की सेना को समर्पण करवा दिया, मारा नहीं लेकिन किसी को, खून नहीं बहा किसी का, सब बदल गए, सब दुश्मन से दोस्त बन गए। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मनों को तलवार से मारने को नहीं कहा है, प्रेम से मारने को कहा है। और वही है परमेश्वर की आत्मा की तलवार, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं और उस हथियार से हम सुसज्जित रहते हैं। इस हथियार की बात संत पौलुस भी करते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सोचो, एलीशा चारों तरफ से आराम के राजा के रथों से, उस जमाने के रथ समझ लो टैंकर थे, आजकल के टैंकर, टैंक जो होते हैं आर्मी के, रथ, घोड़े, घुड़सवार है, पैदल घुड़सवार समझ लो, रथ समझ लो, इतने बड़ी बड़ी आर्मी चारों तरफ से एलीशा को घेरे हुए है, उसे कोई डर नहीं है। उसने केवल प्रार्थना किया यहोवा से कि पूरी सेना को मेरे वश में कर दे, वैसा ही हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, मैं कोई मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियां नहीं बता रहा हूं, ये घटनाएं हैं ऐतिहासिक जो उस मिडल ईस्ट में हुई हैं। उसी मिडल ईस्ट का यहोवा परमेश्वर है, वहीं का है, वहां से ये सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। जब यहोवा वहां कर सकता है तो इधर क्यों नहीं कर सकता, हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देशों में क्यों नहीं कर सकता। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए हमें परमेश्वर के हथियारों से सुसज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से मतलब है इंसान, ब्लड। हम इस लड़ाई को खून बहाकर नहीं जीतते हैं, हम लड़ाई में जीतेंगे तो निश्चित, लेकिन बिना खून बहाए हुए। हालेलुया, इस लड़ाई में लड़ने को जो तैयार हो हमारे साथ आ जाए, बिना खून बहाए लड़ाई लड़ना है और इस लड़ाई में जीत लेना है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। यानी दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो मनुष्यों में नफरत पैदा कर रही हैं, रिलीजन के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, रेस के नाम से, रंग रूप के नाम से, काले गोरे के नाम से, पीले नीले के नाम से, हर प्रकार की नफरत पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। और ये दुष्ट आत्माएं हमारी मित्र नहीं हैं, ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर और उनकी सृष्टि के दुश्मन हैं, और इनसे युद्ध लड़ने के लिए हमें आत्मा के रूप में तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मिक शक्तियां हैं। इन सारी आत्मिक शक्तियों को हराने के लिए हमें आत्मिक हथियारों से लैस होना पड़ेगा। लिखा है, इन अंधकार के हाकिमों की, अंधकार की सेनाओं से, दुष्टता की सेनाओं से जो स्वर्ग के इलाके में हैं, जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से कमर कसकर, झूठ नहीं, हम झूठ और फरेब से युद्ध नहीं लड़ते, हमारी ताकत सत्य है। हम सच्चाई के आत्मा से परिपूर्ण होकर
सच्चाई के साथ, सच्चाई की ताकत से युद्ध लड़ते हैं और इसीलिए जीतेंगे। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पुराने जमाने में, आजकल जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं वैसे ही झिलम थी तलवार से बचने के लिए, लोहे की झिलम पहनते थे। अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं लोग ताकि गोली न लगे। एक ही बात है, झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम की बात कर रहा है, अधर्म की नहीं, धर्म की झिलम। धर्म क्या है? ईसाई है? नहीं, धर्म परमेश्वर है, स्वयं ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं में, अपने आप में धर्म है, सत्य है, जीवन है, मार्ग है। उसी को हम पहन लें, यीशु मसीह को पहन लें, उसकी धर्म को, उसकी धार्मिकता की झिलम को पहन लें और पांव में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते पहन लें और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल क्या है? पहले जो थे गोल, एक थाली के समान एक ढाल होती थी जिससे पकड़कर तलवारों के अटैक को हम बचाया करते थे। पहले लड़ाई आमने सामने होती तलवारों से, तो वो ढाल लगाते थे। उस ढाल की बात कर रहे हैं, वो ढाल विश्वास है, हमारा विश्वास है, और हम विश्वास के द्वारा ही संसार पर जय पाएंगे। हालेलुया, हम विश्वास के द्वारा संसार पर जय पाएंगे और दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा देंगे। जो नफरत के तीर हैं, नफरत के बीज हैं, नफरत के बोल हैं, उन सब को हम विश्वास की ढाल के द्वारा बुझा देते हैं। आमीन। और उद्धार का टोप यानी सेल्वेशन, हेलमेट ऑफ सेल्वेशन। योद्धाओं को लड़ाई पे देखते हो, सोल्जर्स को अपना एक हेलमेट पहने रहते हैं, इसी को उद्धार का टोप आत्मिक जगत में कह रहे हैं। आत्मिक जगत का उद्धार का टोप यानी हमने अपने प्राण आत्मा शरीर का उद्धार पा लिया है, और वो हमारे टोप से बता देगा कि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं या नहीं। यीशु मसीह का लहू हमारे माथे के टीके पर लगा है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया है, उसी के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं और हम गुनाह से आज़ाद हुए हैं। हमें नई जिंदगी मिली है, हम नए मनुष्य बने हैं, हम नई सृष्टि बने हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, और नया जन्म हमारा परमेश्वर के राज्य में होता है। पहला जन्म हमारा मनुष्य के रूप में हुआ, शारीरिक जन्म है, और दूसरा जन्म हमारा आत्मा का जन्म है, जिसे हम नए सिरे से जन्म की बात करते हैं, बॉर्न अगेन की बात करते हैं। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, दिस इज द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। बाइबल इज द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, इसको ले लो, और इसी वचन के द्वारा शैतान के गढ़ों को हम ढा देंगे। हालेलुया। इसमें और क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लूका के 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, जाओ पूरे इलाके में जाओ और सब तरफ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो, मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। चले गए, आसपास के गांव में गए, प्रचार करके लौटे, शाम को प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, आज तो हमने बड़ी अचंभित चीज देखी है,
आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, यीशु मसीह के नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली। चेले बहुत एक्साइटेड थे, सच है। हमने भी जब दुष्ट आत्माएं पहली बार निकाली तो हम भी बड़े एक्साइटेड थे, नया नया काम कर रहे थे। 20 साल पुरानी बात है, 20-25 साल पहले की बात है, जब दुष्ट आत्माएं पहली बार निकाले तो बड़ा अचंभित थे कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। हम लोग आज्ञा देते हैं, वो निकल जाती हैं, लोग ठीक होकर पूरे तरीके से तंदुरुस्त होकर अपने घरों पर चले जाया करते थे। ऐसे ही यीशु के चेले भी उनके पास आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। यीशु ने कहा लूका 10 और 18 में, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये क्या हुआ? स्वर्ग से बिजली के समान गिर रहा है शैतान, यानी जो आकाश में, जिसका जिक्र हमने किया है कि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी विशेष धर्म के लोगों से हमारा युद्ध नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी देश के मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई है आत्मिक जगत में जो शैतानी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं और उनका गुरु जिसको हम इबलीस कहते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह बिजली के समान गिरते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनके चेले दुष्ट आत्माओं को जगह जगह जाकर निकाल रहे थे। हालेलुया। और जब आप जगह जगह जाकर निकालोगे तो उनका मालिक जो है कूद कर वहां से बिजली के समान तुम पर टूटने जा रहा है, तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा ताकि तुम्हारा नाश कर दे। यीशु मसीह ने क्या देखा था? शैतान को बिजली के समान, जब उसने देखा कि जितने डीमंस मैंने दुनिया में भेजे हैं, यीशु के चेले यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े गुस्से में आ गया, बड़े क्रोध में आ गया, तो आकाश से वो कूद पड़ा बिजली के समान, टूट पड़ा ताकि आक्रमण करे प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर। आज भी जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जगह जगह बीमारों को चंगा करते हो, प्रभु के नाम से आश्चर्य कर्म होते हैं, आपके हाथ रखने से लोग चंगे होते हैं, अंधी आंखें खुलती, बहरे कान खुलते, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते हैं, कैंसर के रोगी चंगे होते, दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हुई यीशु के नाम से निकलती हैं, शैतान बौखला जाता है, वो बिजली के समान आपके ऊपर आक्रमण करने को टूट पड़ता है। ये प्रभु ने देखा है। ये 19 पद में है, 18 पद में, मैं शैतान को, उन्होंने उनके बातों का जवाब नहीं दिया चेलों के। चेले आनंद से लौटे और प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। प्रभु ने कुछ नहीं कहा, परंतु ये कहा सीधे सीधे, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बताइए, तुम लोग जब दुष्ट आत्मा निकालने के लिए मैदान में गए थे, जब तुम गांव गांव में दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, उस वक्त मैंने शैतान को बिजली के समान तुम्हारे ऊपर टूटते हुए देखा है। हालेलुया। प्रभु हमारा देखता है, प्रभु हमारा देखता है कि शत्रु कहां हमारे ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। वो स्वर्ग से देखता है, पृथ्वी पर भी देख रहा था। जब प्रभु पृथ्वी पर थे तब देख रहे थे, आज प्रभु स्वर्ग में बैठे हैं पिता के दाहिने हाथ, तो सब कुछ देख रहे हैं। हालेलुया। हिम्मत रखिए, घबराइए नहीं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, वी बाइंड एवरी पावर ऑफ डार्कनेस, एवरी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, सारी दुष्टता की शक्तियों को जो आसमान में है, जो आकाश में है, जो मनुष्यों को भरमा रही हैं, लहू बहा रही हैं, नुकसान करा रही हैं, इन सारी दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से हम बांध कर अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं, और पूरी दुनिया में और पूरे देश में
शांति और चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन।